विच एसेट क्लास गिव यू द मैक्सिमम रिटर्न एंड व्हाई। गुड इवनिंग, दिस इज डॉक्टर सुनील त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल एट द प्लेटफॉर्म ऑफ एडुटेक। ऐसा कौन सा वो एसेट क्लास है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है? एसेट क्लास मीन्स डेट देता है, रियल एस्टेट देता है, गोल्ड देता है या स्टॉक्स देते हैं, ये सारे हमारे एसेट क्लास है। और भी है, आजकल तो आपका बिटकॉइन आ गया है, क्रिप्टो जिसे आप कहते हैं, और आपके बहुत सारे और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन कौन सा एसेट क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है और क्यों? देखिए, जब रिटर्न की बात आती है तो रिटर्न का एक सिंपल सा रूल है, वो चीज़ जिसे आप उसके वास्तविक मूल्य, जो उसका एक्चुअल प्राइस है, उससे कम में खरीद पाए, जब ज़रूरत हो, जब आप खरीदना चाहें तो उसे कम में खरीद पाएँ, और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि वास्तविक मूल्य से ज़्यादा में बेच पाएँ। अगर ऐसा कोई एसेट क्लास है तो वो आपको हमेशा और हमेशा मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देगा। आप सोचिए, क्या गोल्ड में आप ऐसा करना चाहेंगे तो ऐसा होगा? नहीं होगा। कम में तभी हो सकता है जब कोई गोल्ड चोरी करके लेके जा रहा हो, कहीं चुपके से दे दे और आपने उसको खरीद लिया, तो हो सकता है कि वास्तविक मूल्य से कम में मिल जाए, लेकिन कई बार उसमें पंगे भी हो सकते हैं। पता चला आपने खरीदा गोल्ड, निकल गया पीतल, तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा, क्या डेट इंस्ट्रूमेंट जो आपके सुकन्या है, FD है, इसमें हो सकता है? इसमें तो होता ही। क्या प्रॉपर्टी में ऐसा हो सकता है? हाँ, प्रॉपर्टी में कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत परेशान है, उसको जल्दी है, उसको बेचना चाहता है, या कई बार बैंक जब ऑक्शन वगैरह करते हैं, जब बैंक, तो उसमें कई बार आपको वास्तविक मार्केट प्राइस से कम में आपको मिल जाता है। तो अगर कोई ऐसा एसेट क्लास है जो उसका वास्तविक मूल्य है, जो उसका मार्केट प्राइस, जो उसका रियल वैल्यू है, जिसे इंट्रेंसिक वैल्यू आप कहेंगे, उससे कम में मिल जाए, तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। सपोज 100 रुपये की चीज़ आपको 80 में मिल जाए तो 20 का ये फ़ायदा हुआ, और बेचने गए तो कहीं आप उसको 110, 115, 120 में बेच पाएँ तो 10-12-15 रुपये का वो भी फ़ायदा होगा, तो 40 रुपये का गैप हो गया। लेकिन खरीदने गए तो कम में मिल गया, लेकिन बेच 100 में ही पाए तो 20 का ही होगा। तो प्रॉपर्टी में ये वाला कई बार हो जाता है कि आपको 100 की चीज़ 80 में मिल गई और जब जरूरत पड़ी तो आपने उसको 100 में उसको बेच सकते हैं। लेकिन शेयर एक ऐसी चीज़ है ना, इसमें जो है, इसमें आपको 100 की चीज़ 80 में, 70 में, 60 में मिल जाती है, और 100 की चीज़ 110 में, 120 में, 125 में, 130 में बिक जाती है। ऐसा क्यों होता है? शेयर मार्केट बाय नेचर इज अ ऑक्शन मार्केट, बाय नेचर इज ऑक्शन। अगर वॉरेन बफेट जी को पढ़ेंगे तो वॉरेन बफेट जी हमेशा यही कहते हैं, बाय नेचर स्टॉक मार्केट इज द ऑक्शन मार्केट, एवरी डे देयर इज ऑक्शन ऑफ समथिंग, कुछ ना कुछ बेचा जा रहा है, ऑक्शन हो रहा है, लोग बोली लगा रहे हैं, मैं इतना में बेचूंगा, मैं इतने में खरीदूंगा, मैं इतना बेचूंगा, रोज़ आप देखोगे बिड प्राइस लगा होता है, आप जब जिस भी ऐप को आप यूज करते हैं। शेयर मार्केट बाय डिफॉल्ट इज द ऑक्शन मार्केट। अब ऑक्शन मार्केट में क्या खूबी है कि 10 की चीज़ 9 में, 8 में, 7 में बिक सकती है, 100 की चीज़ 90 में, 80 में, 70 में, 60 में बिक सकती है। आपको पता होना चाहिए चीज़ कितने की है, यही एक सबसे बड़ी, आपको वैल्यूएशन करना आना चाहिए, ये चीज़ होनी कितने की चाहिए, ये नहीं कि पहले उसका प्राइस क्या था और लाइफ टाइम हाई क्या है, ये सब रहती थी, वो तो फिर वही बात है, ऑक्शन के थ्रू वो ऊपर गया था। एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्या आपको करना आता है? बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस से आप एक आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ, ये इतने में इसकी फेयर वैल्यू है। अगर आप उसके पास से कंपेयर करें, इंडस्ट्री से कंपेयर करें, आप उसके पी को देखें, आप उसके ग्राहम नंबर को देखें, आप उसके इंट्रेंसिक वैल्यू को देखें, तो आप आइडिया ROC को देखें तो आपको आइडिया लग जाता है कि इसकी ROE ग्रोथ को देखें, पेग रेशियो जिसे आप कहते हैं उसको देखें, तो एक आइडिया लगा लेते हैं कि इस शेयर का एक प्राइस क्या होना चाहिए। रोज ऑक्शन हो रहा है, कोरोना आएगा तो नीचे ऑक्शन होगा बहुत, यूक्रेन होगा तो और नीचे ऑक्शन होगा, मोदी जी की सरकार जाएगी और कहीं ऑक्शन होगा, राहुल जी की सरकार आएगी और कहीं ऑक्शन होगा, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आएगी और कहीं ऑक्शन होगा, बारिश नहीं होगी कहीं और ऑक्शन होगा, मतलब डिफरेंट प्राइसेस, और कहीं होगा मतलब प्राइसेस, डिफरेंट प्राइसेस पे ऑक्शन होगा। जब आपको लगे कि इसकी रियल वैल्यू ये है और उससे कम में ऑक्शन हो रहा है, कम में मिल रहा है, उस चीज़ को आपको ख़रीदना है। ऑक्शन कब में हो रहा होगा तो ध्यान रखिएगा, दुनिया में हाहाकार मची होगी,
ये तो डूब जाएगा, मर जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बिजनेस गया, प्रमोटर गया, ऐसा कुछ नेगेटिविटी होगी, तभी आपको कम प्राइस मिल रहा होगा। उस ऑक्शन में आपको उसको पकड़ना है जब वो अपने फेयर प्राइस से कम में ऑक्शन हो रहा है, और ये तभी होगा जब मार्केट में उसके अगेंस्ट नेगेटिविटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के 2 साल पहले आपको जितने भी ऑटो कंपनीज थी, लॉट ऑफ नेगेटिविटी। आज के 4 साल पहले जितने भी रियल एस्टेट कंपनीज थी, लॉट ऑफ नेगेटिविटी। आज के 1 साल पहले जितने भी फार्मा कंपनी थी, लॉट ऑफ नेगेटिविटी। आज के 6 महीने पहले जितने भी आईटी कंपनीज थी, यूएस में रिसेशन आ जाएगा। जब ऑटो कंपनी थी, सेमीकंडक्टर चला जाएगा। फार्मा कंपनी है तो कोरोना चला गया, अब तो क्या है, ओवर वैल्यूड है, ये है वो है। यूएस का रिसेशन, आईटी कंपनी, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैली होगी। उस समय प्रोडक्ट का जो ऑक्शन हो रहा होगा वो उससे कम प्राइस में हो रहा हो, वो एक अच्छा प्राइस है जब आप उसे बाय करेंगे। और फिर कुछ होगा, हाहाकार मचेगी, अब तो ये भागने वाला है, लोग उसके पीछे पड़ने वाले, फिर ऑक्शन हो रहा होगा। अब 100 रुपए की चीज़ की 110, 112, 115 में कुछ ऑक्शन होना शुरू हो जाएगा, कुछ भी रीजन, ऐसा ही कुछ। ये नेगेटिव वाले बताए, ऐसा कुछ पॉजिटिव होने लगते हैं, कुछ भी बिना किसी कारण के। आज के 2 साल पहले केमिकल कंपनीज में था, 10, 11, 12 में आपका इंफा कंपनीज में था, अभी आज का डिफेंस कंपनीज में हो रहा है। केवल 6 महीने 8 महीने पहले तक जितने भी गवर्नमेंट के PSUs बैंक्स थे उनमें हो रहा था। ऐसा होता है, जो उनकी एक्चुअल वैल्यूएशन होनी चाहिए उससे ऊपर। उस समय आपको ऑक्शन का फ़ायदा उठाना है। रियल वैल्यू क्या है, उस रियल वैल्यू से नीचे खरीदो। रियल वैल्यू क्या है, उस रियल वैल्यू से ऊपर बेचो। इस गैप को यूटिलाइज करो, मैक्सिमम बेनिफिट यू कैन गेन बाय दिस स्ट्रेटजी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, कमेंट में लिखेंगे क्या कमियां हैं, आगे हम किस टॉपिक को कवर करें। थैंक यू।